असली चढ़ाई अब स्टार्ट होती है बंतोली से। टूरिस्ट आए हुए हैं और हम शॉर्टकट जा रहे हैं तो उनको लग रहा है कि वहाँ पर वो भटक जाएंगे। अच्छी बात भी है, उन्होंने हमको आवाज़ लगाई वहाँ से। और बाकी अपने ग्लव्स, अपना फोन और अपना बैग ना ऑलमोस्ट तैयार हो ही गया। छोटू, ओ दानी, बाय। तो चलिए भाई, फिलहाल मैं भी तैयार हो ही गया और ऑलमोस्ट अपनी पैकिंग ना जितनी रहनी थी, मतलब जितनी करनी थी ना वो कर ही दी और मैं भी निकल गया। बाकी आज प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है इस चीज़ का, मेरा ना कमर पे पूरा बेल्ट वगैरह लगा हुआ है, कलाइयों में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या क्या होगा। बाकी मुझे तो जाना ही था और पहले तो मुझे यहाँ से लगभग आपके 25-30 किलोमीटर के करीब ना राइड करनी होगी और उसके बाद मैं पहुँचूँगा रांची में। तो भाई फाइनली मैं भी निकल गया और जस्ट अभी अपना जो भी फ्लैग वगैरह जो भी लगाना था ये मैंने ना कल परचेज़ किया था और आज इसको लगा दिया है। बाकी अभी मुझे यहाँ से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर राइड करना होगा तब जाके मैं रांची में पहुँचूंगा। बाकी अभी मैं भी ना भारत सेवा में ऑलमोस्ट पहुँच ही गया, इसके बाद मार्केट में चलते हैं। ये वाली जो रिवर आती है ये आती है मधुमेश्वर वैली से, जहाँ मैं आज ट्रैक कर रहा हूँ। और बाकी कूल पहाड़ी दीपक भाई, ये लोगों ने मुझे टाइम वैसे 9:30 तक का दिया था, 9 तो मुझे वैसे ना 5:30 पे हो गया था, अभी ऑलमोस्ट ना 9:30 होने ही वाला होगा। यहाँ की रोड इतनी ख़राब है ना कि मैं बाइक को ज़्यादा स्पीड पे भी नहीं भगा सकता और वैसे ही मेरा बैक पेन है उसकी वजह से भी मुझे स्लो चलना पड़ रहा है। तो भाई फिलहाल मैं भी रांची में एंटर हो ही गया और यहाँ पे पहुँच के ना पहले तो दीपक भाई और को कॉल करना पड़ेगा मुझे, बाकी देखते हैं वो लोग कहाँ पे हैं। तो भाई फिलहाल अपनी जर्नी शुरू हो गई है और मैं भी ना रांची में लगभग 9 के करीब पहुँचा था और अभी हम लोग अक्तौलीधार से भी ना आगे निकल गए हैं और अभी मेरे साथ है दीपक भाई और अकी भाई। वैसे तो दीपक भाई को आप लोग जानते हैं और अकी भाई तो लगभग 2013-14 से, मैंने कुछ दिन पहले पता चला मुझे कि 2013-14 से ना YouTube एजुकेशन ब्लॉग चला रहे हैं, जो चैनल है ना उसको, उस पर अपडेट रहता है। बाकी दीपक भाई कितना है यहाँ से मधुमेश्वर धाम? यहाँ से अक्तौलीधार से ना 16 किलोमीटर मान के चलो आप, 16 किलोमीटर अप्रोक्स, हाँ लगभग इतना ही है। और अंशु भाई आज नहीं दिख रहे, अंशु गया हुआ है आज कहीं ना, तो इसलिए वो नहीं आ पाएगा, और हो सकता है वो कल आ जाए ऊपर, कल देखने को मिल जाएगा हमें मधुमेश्वर में। बाकी ऋतिक भाई से तो वैसे मेरी मॉर्निंग में बात हुई थी, तो ऋतिक भाई का कल तक वैसे प्रोग्राम था ही और सडन सुबह को कॉल आया कि घर पे जो सिस्टर की जो इंगेजमेंट थी ना उनको छोड़ने के लिए जाना है, तो बाकी चलते हैं। और अभी हम लोग ना ज़्यादातर जितने भी रास्ते हैं ना जहाँ ऊपर से आए हैं शॉर्टकट ही आते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट हम लोग मधुगंगा के समीप पहुँचने ही वाले हैं, बाकी दीपक भाई पीछे से आ रहे हैं और अकी भाई चल रहे हैं आगे और बाकी मैं चल रहा हूँ, तो चलते हैं। हम लोग ऑलमोस्ट ना गोंडार में पहुंचने ही वाले हैं, लगभग 2-3 किलोमीटर और रह गया। अभी हम लोग जिस लोकेशन पे हैं और वो लोकेशन ना आपके सामने है, नीचे पूरा हरा हरा पानी है और इधर से ना कोई स्लाइड होके नीचे तालाब में इजी नहा सकता है वैसे तो।
तो चलो भाई, फिलहाल मैं तो खैर घर से ना रोटी वगैरह कुछ लाया नहीं था, और रोटी तो छोड़ो, मेरे ना पानी का बोतल भी साथ में नहीं रखा हुआ है। बाकी अगर आगे कुछ ऐसा मिलता है ना तो पानी वगैरह पियेंगे और साथ में भी रखेंगे। बाकी पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं हल्का फुल्का, फिर निकलते हैं। ऑलमोस्ट गोंडार पे पहुंचने ही वाले हैं, और जस्ट अभी यहाँ पे पहुँचे हम लोगों ने पीछे पे ब्रेकफास्ट किया था, वहाँ पे पानी वगैरह हमारे पास कुछ था नहीं, तो यहाँ पे ना पानी वगैरह पीने के बाद हम लोग आगे के लिए निकलते हैं। बाकी ये रहा आपके सामने पे गोंडार विलेज जस्ट इसके पीछे, और ये है आपकी मधुगंगा। ऑलमोस्ट हम लोग गोंडार में एंटर हो ही गए हैं, और यहाँ से मधमेश्वर वैली की जो दूरी है वो लगभग 10 किलोमीटर है, और गोंडार मधमेश्वर वैली का लास्ट विलेज है। बाकी ये रहा जो गोंडार विलेज है, और बाकी दीपक भाई लोग ना पीछे से आ रहे हैं। ओह दीपक भाई, हम लोग लगभग कितना टाइम हो गया हमें चले हुए? 1.5 घंटा तो हो गया होगा, हम लोग से ऊपर ही हो गया, बैठते बैठते आ रहे हैं आराम से मजे से, और बाकी अभी चल ही रहे हैं। वैसे ना अभी तक तो रास्ता ये था ना बिल्कुल सीधा था गोंडार तक, असली चढ़ाई अब स्टार्ट होती है बंतोली से। यस, वहाँ से ना काफ़ी अपहिल है, और बाकी ना सूर्यदेव इतना ज़्यादा चल रहे हैं पूरी ना खोपड़ी ऐसे हो रही, क्या बोल ज़्यादा ही मेहरबान हो रही है वही तो। लोग ना ऑलमोस्ट बंतोली में पहुंचने ही वाले हैं, और जो यहाँ पे दो रिवरों का जो संगम है वो है मोरखंडा, और जो मधुगंगा है वो संगम है। बाकी संगम है आपके इस जगह पे। बाकी अब ना चढ़ाई ऑलमोस्ट शुरू हो ही गई, और यहाँ पे लगभग मैंने 5 बार ट्रैक कर चुका हूँ, और आज मैं ना फिर 6वीं बार आ रहा हूँ इस ट्रैक पे। ट्रैक पे हालत ख़राब तो वैसे होती है ना, पर आज दीपक भाई और अकी भाई भी साथ में, तो देखते हैं आज कैसा रहता है। तो यहाँ पे लगभग हम लोग 5 और 10 मिनट का ब्रेक लिया, और जो चिप्स वगैरह था ना वो जो भी खाना था पानी पीना था वो सारी चीज़ें ना ऑलमोस्ट हो गई हैं। बाकी हम लोग भी आगे के लिए निकल गए। अपना खाना आ ही चुका है, और लगभग हम लोग यहाँ पे 15-20 मिनट तो हो ही गया, और पहले खाना खा लेते ना फिर बातें करते रहेंगे, क्योंकि जो हमारा सफ़र है ना वो काफ़ी दूर है अभी, तो पहले खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आपको। चलो कुछ छोड़ देंगे फ़ोन। चलो भाई चलो चलो। तो भाई अभी हम लोग खटरा से ना थोड़ा बहुत ऊपर आ गए हैं, और यहाँ से है शॉर्टकट रास्ता, बाकी अभी शॉर्टकट चलते हैं, और ये जाएगा ना सीधे जहाँ पे नानू है ऊपर एक जगह वहाँ पे मिलेगा, तो चलते हैं। भाई जवाब दो भाई, उन्हें भटक जाएंगे हम। अभी यहाँ पर नीचे ना कुछ टूरिस्ट आए हुए हैं, और हम शॉर्टकट जा रहे हैं तो उनको लग रहा है कि वहाँ पर वो भटक जाएंगे। अच्छी बात भी है, उन्होंने हमको आवाज़ लगाई वहाँ से, गाइड किया। हाँ, लेकिन हमें ये रास्ता पता है, हम कई बार जा चुके हैं यहाँ से, तो इसलिए वो आवाज़ मार रहे हैं हमें। लोग नानू में पहुँच ही गए, और यहाँ से ना बहुत ज़्यादा अफील था, आते आते हालत ख़राब हो गई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरा बैक पेन, तो उसकी वजह से ना बहुत मतलब काफ़ी चढ़ाई पे काफ़ी दर्द हो रहा है। बाकी अभी हम लोग ना इस जगह पर आ गए हैं, और यहाँ पर हैं जो गोंडार वालों की जो छानियाँ हैं ना इस टाइप से हैं।
तो भाई फिलहाल अभी हम लोग लगभग नानो में पहुँच ही गए और यहाँ से लगभग मध्वेश्वर धाम की जो दूरी है लगभग 5 किलोमीटर रह गया है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे चढ़ा ना, हालत ख़राब हो गई मेरी तो वैसे तो। बाकी हम लोग जिस ऑफिल को हम लोग ना शॉर्टकट मार के आए वो मेन रास्ता यहाँ पे मिल चुका है और बाकी अभी हम लोगों को जाना ना इस वाले टॉप पे जाना है। तो बाकी अभी हम लोग कून चट्टी पे ऑलमोस्ट पहुंच ही गए और यहाँ पे पहुंचते ही ना हम लोग चाय वगैरह का ऑर्डर दिया था भाई ने और चाय भी वैसे ना आ ही गई। सो फाइनली हम लोगों ने जो लास्ट अफिल है मध्वेश्वर धाम का वो लगभग ना कंप्लीट हो ही गया और बाकी यहाँ से ना हल्का अप एंड डाउन है तो इतना तो ना कवर कर ही लूँगा। तो भाई फिलहाल अभी हम लोग मध्वेश्वर धाम में ना पहुँच ही गए और अभी लगभग 7:30 के करीब तो टाइम हो ही गया। अभी चल रही है आरती तो जल्दी से जाते हैं ना आरती के दर्शन कर लेते हैं फिर मिलते हैं आपको। तो भाई फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुँच ही गए और बाकी अभी ना मैं मतलब हम लोग शुरू से यही सोच रहे थे कि आरती तक पहुंच जाएं और फाइनली ना आरती भी चली रही है और हम लोग भी पहुंच ही गए।